अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम व बालटाल स्थित आधार शिविरों से आज रवाना किए गए शिव भक्तों को द्वारा आज देर शाम तक बाबा बर्फानी के दर्शन करते ही यात्रा का आंकड़ा 3 लाख पार हो जाएगा। मंगलवार तक 2,94,040 शिव भक्तों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दे दी थी और जिस तरह से श्रद्धालुओं का काफिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल यात्रा पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दूसरी ओर जम्मू स्थित आधार शिविर से आज करीब 2700 श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम और बालटाल स्थित आधार शिविर की ओर रवाना किया गया। इस बार जत्थे में कुल 2723 शिव भक्त शामिल थे जिनमें 100 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी भेजा गया। इनमें से 1476 शिव भक्त पहलगाम जबकि 1247 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कल यानी वीरवार को रवाना किए जाएंगे। उत्साह तो बहुत है, बस बाबा बर्फानी के दर्शन होने को ना मारो सब यात्री को और सब अच्छे से सुखद है, बाकी सब सब सुखद होने को हो रहा है। सुविधा अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है, सुविधा अच्छी है। प्रशासन ने जो अरेंजमेंट करा वो सिक्योरिटी जो भी अच्छा है, तो जो हमारे जो जवान है उनकी भी काबिल तारीफ है। मैसेज है कि कोई तकलीफ यहाँ पे है नहीं, अमरनाथ में अच्छे से आओ, अच्छे से रहो और बाबा बर्फानी के दर्शन करो। बाबा जी के दर्शन के लिए आया हूँ तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसा लगता काफ़ी, मैं 4-5 साल से विचार बना रहा था कि यहाँ पर ये हास्य वो हास्य, लेकिन इस प्रकार सब गलत है। यहाँ पर आके काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और बाबा के दर्शन करें और अब मनोकामना अपनी पूरी करें। कोई भय नहीं, कोई ईर्षा नहीं। यहाँ पर आके जो सरकार ने जो अरेंजमेंट किया है ना, बहुत अच्छा किया सर। देख के काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो व्यवस्था की है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। मेरा ये 4th साल है, इससे पहले 3 साल मैं 2013 के बाद मैं आया नहीं, पर उस समय की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फर्क है। इतना सुकून और कोई भय नहीं है एक्चुअली। ऐसा है माझं हेच म्हणणं आहे की सर्वांनी इथे यावं आणि सर्व बांधवांना मी विनंती करतो की अमरनाथ यात्रेला या आणि दर्शन घेऊन जावे।